हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। वो चौ शान जो शी जेरी के डैड को एक एम्प्लॉय फोन करके बताता है कि मैडम डोंग मी आपकी तरफ आ रही हैं। ये न्यूज़ सुन के शाओशी टेंशन में आ जाता है और वो फटाफट तैयार होने लगता है। दूसरी तरफ जेरी क्लास में वैंग ई को तंग करने में लगा हुआ है। वैंग ई पीछे मुड़ के उसे कहती है, अगर तुमने दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। जेरी कहता है, नहीं मैडम, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, प्लीज़ मेरी एक बात सुनो। मेरी लेफ्ट आंख ब्लिंक कर रही है, मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वैंग ई कहती है, तुम्हारी आंख जाए भाड़ में, मुझे परेशान मत करो। दूसरी तरफ डोंग मी ऑफिस पहुंचती है और अपने एक्स हस्बैंड से पूछती है कि निकम्मे इंसान, कहाँ है मेरा इकलौता बेटा। डोंग मी के साथ एक लड़की भी है, वो उसका नाम लेके उसे कहती है कि ये जिंग 20 मिनट्स के बाद तुम मुझे लेने आना। शाओशी नाम सुनते ही समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो पहले जेरी के साथ अब्रॉड जाना चाहती थी, मतलब कि वो जिंदा है। अभी वो डोंग मी की असिस्टेंट है। दरअसल सारा प्लान जेरी की मॉम का था। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा प्यार में पड़े, तभी उसने झूठी खबर दी न्यूज़ में। उसने अपने एक्स हस्बैंड को इस्तेमाल किया, खुद सामने नहीं आई। वो सोच रही थी कि ये जिनके मरने के बाद जेरी अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान देगा, पर सब उल्टा हो गया। उसका बेटा पोजिशन होल्डर से डफर बन गया। जेरी की मॉम अब अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहती है। एक्स वाइफ से धमकी सुनते ही शाओशी जेरी के स्कूल पहुंच जाता है। उससे पूछता है कि क्या तुम यी जिंग को भुला चुके हो। जेरी कहता है, कोई और बात करो, मैं जा रहा हूं क्लास में वापस। जेरी उसके बाद क्लास में अपनी डायरी उठा के कुछ सोचता है। रात को वो यी जिंग की सारी पिक्चर्स को ज़मीन पर रख देता है, मतलब कि अब वो सब कुछ भुलाना चाहता है। वैंग ई उसके साथ है, वो उसे कहती है कि पागल मत बनो, आज उसकी बर्थडे है, ऐसा मत करो। जेरी कहता है, एक वादा किया था जो वफा ना हो सका, अब इन चीज़ों की अहमियत नहीं है क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। जेरी डायरी को आग लगाना चाहता है। वैंग ई कहती है, कम से कम ये तो मत जलाओ। जेरी कहता है, मैंने बहुत दर्द बर्दाश्त कर लिया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जेरी सब कुछ जला देता है। वैंग ई उसे कहती है कि तुमने खुद क्यों नहीं जाके चेक किया, शायद वो जिंदा थी। जेरी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक से हमें मालूम होता है कि एरोप्लेन मिसिंग के बाद जेरी यी जिंग के पेरेंट्स के घर गया था, पर उसके पेरेंट्स ने उसे वापस भेज दिया। जेरी मायूस होके लौटा था, वो समझ गया था कि यी जिंग अब वापस आने वाली नहीं है। वैंग ई कहती है, अगर वो आज फिर से वापस आ जाए तो। जेरी कहता है, अच्छा मजाक है, मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर वो कल वापस भी आई फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम सब की वजह से मैं पहले जैसा हो रहा हूँ। थैंक यू वैंग ई। नेक्स्ट मॉर्निंग जेरी की पास्ट वाली महबूबा यी जिंग स्कूल आ टपकती है। वो क्लास में जाके जेरी का नाम पुकारती है, पर जब जेरी की नज़र उस पर पड़ती है तो वो बेहोश हो जाता है और वैंग ई परेशान होती है। हॉस्पिटल में वैंग ई चुपके से सब देख रही है। वो सोचती है कि यी जिंग के वापस आने से जेरी कैसा रिएक्ट करेगा। जेरी अपने मॉम से पूछता है कि आप क्यों वापस आई हो, मैं तो डैड के साथ खुश था। मॉम उसे कहती है, कल तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। ये सुन के जेरी और वैंग ई के मुँह से लफ्ज़ निकलता है, क्या कह रही हैं आप। वैंग ई पकड़े जाने के डर से हॉस्पिटल से भागती है और सेफ जगह पहुंच के कहती है, बच गई वरना डायन मुझे मार देती। उसके बाद मॉम जेरी को समझाती है कि तुम भी कंपनी ज्वाइन करो, यी जिंग तुम्हारी हेल्प करेगी, अब वो वापस आ गई है। जेरी मॉम को समझाता है कि मेरे फाइनल्स एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। मॉम के जाने के बाद यी जिंग जेरी को समझाती है कि तुम्हारी मॉम बिजी थी। जेरी कहता है, क्या मजाक है, मेरे मॉम डैड सब बिजी हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है।
वैन की कोने पे खड़ी सब बातें सुन रही है। बाद में वो खुद से कहती है कि जेरी अब फाइनल एग्जाम शायद ना दे। एक लड़की के वापस आने से वो हम सबको भूल गया है। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, चुन्नू मुन्नू वहीं आते हैं। वैन ई उन्हें कहती है देखो जेरी कितना बदल गया है। चुन्नू मुन्नू कहते हैं जेरी ऐसा नहीं करेगा, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा। चुन्नू वैन ई से कहता है कि तुम जेलस तो नहीं हो रही हो यी जिंग को देख के। वैन ई कहती है नहीं तो कभी नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी अच्छे कपड़े पहन के उससे ज्यादा सुंदर दिखती। दूसरी तरफ जेरी अपने पहले प्यार यी जिंग के साथ है। यी जिंग उसकी मॉम के कहने पे फिर से उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, पर तभी उसे किसी की कॉल आती है, वो बाहर चली जाती है। वहीं पास ही चुन्नू मुन्नू भी मौजूद है। यी जिंग अपने न्यू बॉयफ्रेंड से जाके गले मिलती है। चुन्नू मोबाइल से उनकी वीडियो लेता है। मतलब साफ है कि यी जिंग जेरी को धोखा दे रही है, अब वो उससे प्यार नहीं करती है। नेक्स्ट डे जेरी स्कूल मिस करता है। वैंगी उसे ना देख के भड़क जाती है और क्लास एंड होने के बाद चुन्नू मुन्नू से कहती है बड़ी बातें करता था वो बंदर। महबूबा वापस आ गई तो वो ये भी भूल गया कि उसे चैनजी को हराना है। चुन्नू कहता है हमें लगता है कि तुम्हें जेरी से प्यार हो गया है, तभी तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। हम सब समझते हैं, हमारे पास आंखें हैं। वैंगी कहती है स्टूपिड मत बनो, ऐसी बातें मत करो। शाम को तीनों जाके जेरी से मिलते हैं। जेरी उन्हें कहता है कि यी जिंग के आने के बाद सब बदल गया है, मैं जल्द ही अब्रॉड चला जाऊंगा। ये सुन के वैंगी चुन्नू और मुन्नू उदास होते हैं, लेकिन जेरी कहता है तुम सब उदास मत हो, मैं अब्रॉड तो जाऊंगा लेकिन चैनजी को बीट करने के बाद। नेक्स्ट डे स्कूल में मुन्नू कहता है कि प्यार अंधा होता है, मनुष लड़की को भी अभी वापस आना था, वो हमसे जेरी जैसा दोस्त छीन रही है। तभी वैंग ई को आइडिया आता है, वो तीनों जाके यी जिंग से मिलते हैं और उसे वीडियो दिखा के कहते हैं कि हमें सच बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो। यी जिंग कहती है डोंगमी जेरी की मॉम है, वो चाहती है कि जेरी जाके यूएसए में उनकी कंपनी संभाले। उसकी मॉम ने शान ग्रुप्स के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, अगर वो चाहें तो आज ही अपने एक्स हस्बैंड को कंपनी से निकाल सकती हैं। मैं कंपनी में अपनी जगह बना रही हूँ, ये सच है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कुछ रीजंस की वजह से जेरी से झूठ बोल रही हूँ। तुम सब पैसे लो और वीडियो डिलीट करो वरना अच्छा नहीं होगा। शॉकिंग बातें सुन के वैंगी और चुन्नू मुन्नू सोच में पड़ जाते हैं, वो तीनों किसी तरह जेरी को सेव करना चाहते हैं। नेक्स्ट डे यी जिंग जाके जेरी की मॉम को इन्फॉर्म करती है कि वो मान गया है, लेकिन इस हफ्ते उसका फाइनल एग्जाम्स है जिसे देने के बाद वो यूएसए जाके कंपनी ज्वाइन करेगा। कुछ दिन बाद स्कूल में फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जेरी खुश दिखाई दे रहा है, वो सबसे पहले पेपर सॉल्व करके हंसते हुए निकल जाता है। लेकिन जब पेपर्स एंड होने के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है तो जेरी उसे देख के सैड फील करता है और यहीं पे इस ड्रामे का फर्स्ट सीजन एंड होता है। क्या जेरी यी जिंग के साथ अब्रॉड चला जाएगा, क्या उसने चैनजी को बीट किया है और क्या वैंग ई जो जेरी को लाइक करने लगी है वो उसे अब्रॉड जाने से रोक पाएगी, ये सब हमें इसके सेकंड सीजन में पता चलेगा। लाइक्स टारगेट को कंप्लीट करते ही हम इसका सेकंड सीजन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।